क्वेश्चन नंबर 30, कॉस्ट ऑफ टू वॉचेस वर इन द रेशियो 16:23, द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वॉच इंक्रीजेस बाय 10% एंड दैट ऑफ सेकेंड बाय 477 रुपीज। एक में इंक्रीमेंट हो रहा परसेंटेज में, एक में इंक्रीमेंट हो रहा रुपीज में। नाउ द टू वॉचेस आर इन द रेशियो 11:20, द प्राइस ऑफ द सेकेंड वॉच इन द बिगिनिंग वॉज। देखो यहाँ पे हम लोग रेशियो तो दिया हुआ है लेकिन एक इंक्रीमेंट परसेंटेज में है और एक इंक्रीमेंट रुपीज में है, तो यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट रुपीज में दिया गया है, इसलिए हम लोग किससे यूनिट से नहीं कर सकते कि इतने यूनिट का प्राइस इतना है तो इतने का कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो रेशियो है उसे एक्स मान के ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बोला गया है कि सीपी ऑफ टू वॉचेस, तो सीपी ऑफ फर्स्ट वॉच और सीपी ऑफ सेकेंड वॉच, इनका रेशियो दिया हुआ है 16:23, तो हम लोग यही रेशियो नहीं मानेंगे, हम x का मल्टीप्लाई करेंगे। इसका रेशियो भी तो यही आएगा, है ना, तो x का मल्टीप्लाई करने पे cp आ जाएगा, x का ही मल्टीप्लाई करने पे cp2 का रुपीस में आ जाएगा, ये हमने रुपीस में लिख लिया। अब द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वॉच इंक्रीजेस बाय 10%, 10% से इंक्रीमेंट हो रहा है, 10% मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 1/10 इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 11/10 ऑफ 16x इतना हो जाएगा। बाद में CP2 कितना हो जाएगा, 11/10 16x। और क्या बोला गया है, द सेकेंड बाई 477, मतलब CP, ये वॉच 2 है, ये हम डैश मान लेते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट वॉच की बाद में और ये सेकेंड वॉच की बाद में, कितना कितने रुपीज का बोला गया है, 23x तो है ऑलरेडी, प्लस 477, ये रुपीज में आ गए, x का मल्टीप्लाई करते ही हम लोग रुपीज में चले गए, ठीक है। तो इनका जो रेशियो रहेगा वो 11:20 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 88x/5 डिवाइडेड बाय 23x प्लस 477, ये किसके बराबर है, 11/20 के बराबर रहेगा, किसके, 11/20 के बराबर रहेगा, ठीक है। अब ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 8x कितना हो जाएगा, और 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बात समझ में आ गई, तो ये कितना हो जाएगा, 160x। और यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई होगा, 23 × 5 का, क्योंकि ये इसके अपॉन में 1 है, तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से, तो 5 × 23x + 477 इतना हो जाएगा, ठीक है। अब 23 × 5 कितना होगा, ये इधर LHS में आ जाएगा, 23 × 5 115x, और ये कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 कितना हो जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई, मतलब पहले 2 से डिवाइड अगर कर ले हम लोग, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो यह आ जाएगा 2385 आ जाएगा, ठीक है, 2385। अब ये कितना आ जाएगा, 45x बराबर 2385। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है द प्राइस ऑफ द सेकेंड वॉच, मतलब 23x की वैल्यू हमें पूछी गई है, 23x की वैल्यू हमें पूछी गई है, तो हम x की वैल्यू निकालें, 2385 डिवाइडेड बाय 45 कितना आ जाएगा, ये 45, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय 23x की वैल्यू पता लगानी है, तो 23 का मल्टीप्लाई कर दो, 23 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बात समझ में आ गई, क्लियर है यहां तक। 10% का इंक्रीमेंट 11/10 हो गया है, 16x था, ठीक है, तो ये 2 5 2 8 88/5, ठीक है, 88x/5 हो जाएगा, और ये 23x था और बाद में कितना हो गया, प्लस 477, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो ये 8x आ जाएगा, 8 × 16 160x, ठीक है, फिर 5 को मल्टीप्लाई किया तो 2385 115, ठीक है, 45x, ठीक है। अब यहाँ से कैंसिल हो सकता है कि किसी से, ये 9 से कैंसिल हो रहा है क्योंकि समेशन कैंसिल हो रहा है, 9 5 45 एंड 9 2 18, 58 बचेगा 6 और ये 5 53, तो 53 × 23 करेंगे, एंडिंग में क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। देखो क्या है यहाँ पे, x बराबर 53 × 23, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, 23x की वैल्यू निकालनी थी, तो ये 23x की ही वैल्यू है, ये 23 का यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने, देखो दोनों साइड, और हमने 23x की वैल्यू निकालनी है तो ये आ गया,
या फिर क्या करो, x की वैल्यू निकालो फिर उसमें मल्टीप्लाई करो, इससे अच्छा हमने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 3 देखो एंडिंग में 9 आना चाहिए, पहले कुछ भी आए एंडिंग में 9 आना चाहिए, ये आंसर होगा। देख लेते हैं एक बार देख लेते हैं, 53 इंटू 23, 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, ये आएगा 9 1 2 1 2 1 9, कितना आ जाएगा आंसर 1 2 1 9। समझ गए क्या किया हमने, हमने यहाँ पे 16 और 23 को सिर्फ 16:23 नहीं माना, हमने x का मल्टीप्लाई करके ये बता दिया कि ये रुपीस में हमने रेशियो ले लिया है, यहाँ पे रुपीस नहीं है ये चीज़। अगर हम 16 और 23 लेते हैं वो कब हमें यूजफुल होगा सिर्फ क्वांटिटी वाला, जब हम लोग क्या करेंगे इंक्रीमेंट दिया हो, फाइनल इंक्रीमेंट नहीं दिया हो, हमें फाइनल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू दी गई तब हम किससे जाएंगे, यूनिट से जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट जो हो रहा है, देखो क्या बोला, इंक्रीसेस हो रहा है 477 रुपये से, 477 रुपीज़ से क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जो चेंज होता है, अगर चेंज की वैल्यू दी गई है हमें तो हम लोग एक्स मान लेंगे, है ना, एक्स मान लेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें यूनिट हो जाएगी एक और एक रुपीस में हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी ना ये चीज़, है ना, क्योंकि ये समेशन हो रहा है यहाँ पे, तो एक यूनिट में और एक रुपीस में नहीं हो सकता, तो दोनों को या तो यूनिट में कर लो। अब 477 रुपीस से यूनिट में कैसे करें उसे, तो हमने क्या किया 23 को रुपीस में कर लिया, कैसे कर लिया, एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एक्स कुछ वैल्यू रही होगी जिसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 23 में, तो वो हमें एक्चुअल में रुपीस में आंसर दे देगा, ठीक है। तो वो वैल्यू क्या है एक्स की, 2385/45, ये उसकी वैल्यू थी, लेकिन हमें 23x की वैल्यू चाहिए, तो हमने 23 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो 23x की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 1219। क्वेश्चन नंबर 31, सम फ्रूट्स आर बॉट एट अ रेट ऑफ 11 for 100 रुपीज एंड एन इक्वल नंबर एट द रेट ऑफ 9 for 100। इफ ऑल द फ्रूट्स आर सोल्ड एट द रेट ऑफ 10 for 100 रुपीज, देन व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंटेज इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। बोला गया कि कुछ फ्रूट्स, कुछ अमाउंट ऑफ फ्रूट्स उसने किस रेट पे खरीदे हैं, 11 for 100, मतलब 100 रुपए के 11 कुछ फ्रूट ऐसे खरीदे हैं कि उनका रेट कैसा हो, 11 रुपए के 11, कितने में, 100 रुपए में, ठीक है। और उतने ही नंबर ऑफ फ्रूट्स वो खरीद रहा है 100 रुपए में, कितने, 9, है ना, यह क्वांटिटी नहीं पता है हमें, लेकिन ये चीज पता है कि पहले उसने जिस रेट पे खरीदे थे उतने ही जो नंबर ऑफ फ्रूट्स है उतने ही इसने इस रेट पे खरीदे 9 for 100। 9 for 100 का मतलब है कि अगर वो 100 रुपए देगा तो 9 फ्रूट खरीदेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने कितने खरीदे हैं, 9 फ्रूट खरीदे हैं, ये सिर्फ रेट बताया है, ठीक है। जैसे डजन के हिसाब से बताते हैं कि इतने रुपए के इतने डजन केले हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने 12 ही खरीदे हैं, वो हो सकता है 9 खरीद ले या 6 खरीद ले, ठीक है। तो ये सिर्फ हमें रेट बताया गया है, यहां से हमें क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम, ये क्या है, सीपी है, ये दोनों क्या है, सीपी। लेकिन फाइनली हमें क्या बोला गया है कि सभी फ्रूट्स को अगर वो साथ में बेचे तो वो 10 के रेट से 100 रुपए में 10 फ्रूट्स बेच सकता है, ये है उसका रेट, ठीक है। तो सीपी वन क्या हो जाएगा पहले वाले केस में, मतलब 11 खरीद रहा है 100 रुपए में, तो 100/11, मतलब एक खरीदेगा इतने रुपए में। सीपी टू क्या हो जाएगा, है ना, इक्वल नंबर, नंबर ऑफ फ्रूट्स भी हमें मानने पड़ेंगे यहाँ पे, 9 for 100, मतलब 100/9 कर देंगे तो ये एक फ्रूट की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी उतने ही नंबर में, ठीक है। वही फ्रूट्स मान लो कि एक्स नंबर ऑफ फ्रूट्स है, एक्स नंबर ऑफ फ्रूट्स, एक्स नंबर ऑफ फ्रूट्स है, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस क्या है उसकी, सेलिंग प्राइस क्या है उसकी, 100/10 रुपीस, इतनी बात समझ में आ गई। यहां से हमने 3 चीज निकाल ली। अब या तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम लोग क्या करें, एवरेजिंग करके इन दोनों की एक कॉस्ट प्राइस निकाल ले, और सेलिंग प्राइस ऑलरेडी हम लोगों के पास, तो यहां से गेन और लॉस निकाल लेंगे। दूसरा तरीका क्या है, क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी अगर एक्स हो गई, क्वांटिटी अगर एक्स हो गई तो यहां पे ये एक्स क्वांटिटी के लिए करेगा, ये भी एक्स के लिए करेगा, लेकिन सेलिंग प्राइस तो दोनों की हो रही है ना, सेलिंग दोनों को बेचेगा ना, वो तो खरीद लिया उसने कुछ अमाउंट, एक्स अमाउंट उसने इतने रेट से खरीदा, एक्स अमाउंट इतने रेट से खरीदा, लेकिन कुल मिला के अमाउंट कितने हो गए, फ्रूट्स कितने हो गए, एक्स प्लस एक्स 2x हो गए, तो बेचेगा कितने, 2 times of x बेचेगा। तो परसेंटेज हम लोग क्या लिख दें यहाँ पे, अगर परसेंटेज देखें, परसेंटेज चेंज देखेंगे, पॉजिटिव आया तो गेन, नेगेटिव आया तो लॉस, तो क्या होगा परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, यहां से एस पी होता है माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी, तो SP कितना हो गया, यहां से क्वांटिटी कितनी है 2x, 2x के लिए कितना हो गया माइनस। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या करना पड़ेगा, CP, ये वाला CP भी ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, x क्वांटिटी है
एक के लिए 100 बाई 11 आ गया, तो एक्स के लिए इतना आ जाएगा सीपी। फिर यहां से एक्स के लिए कितना आ जाएगा, 100 बाई 9 आ जाएगा। फिर यही सीपी यहां डिवाइड कर देंगे हम लोग इंटू 100 बाई 11 प्लस एक्स इंटू 100 बाई 9, ऐसा कर देंगे हम लोग। ठीक है, ये क्या है, परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज चेंज। पॉजिटिव आया तो हम लोग बोल देंगे गेन है, नेगेटिव आया तो लॉस है। ठीक है, अब एक्स से ये एक्स कॉमन निकल जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा एक्स, है ना, एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ये कितना बचेगा, ये आ जाएगा 20 माइनस, अगर एलसीएम ले लें तो ये कितना हो जाएगा, 900, 1100, 2000 डिवाइडेड बाई 99। यही चीज यहां हो जाएगी, 2000 डिवाइडेड बाई 99 मल्टीप्लाई बाय 100%। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब एक जीरो से एक जीरो और कैंसिल कर दिया, कितना आएगा, 99 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 198 माइनस 200, ये जो डिवाइड में 99 था, एलसीएम लेने के बाद 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 200 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब ये 100 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये कितना बचा, माइनस 2 बाई 2%, मतलब माइनस 1%, या फिर हम बोल सकते हैं 1% लॉस, 1% लॉस। बात समझ में आ गई। यहाँ पे अमाउंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जितना अमाउंट उसने इस रेट पे खरीदा है उतना ही अमाउंट इस रेट पे खरीदा है, लेकिन बेच कितना रहा है, मान लो एक फ्रूट खरीदा इस रेट पे, एक फ्रूट इस रेट पे, लेकिन क्या बेचेगा एक, क्या वो नहीं बेचेगा, तो दो दो फ्रूट हो गए ना उसके पास, तो बेचेगा क्या, दोनों दोनों बेचेगा, तो इसकी क्वांटिटी डबल हो गई। या तो हम लोग क्या करें, इन दोनों की एवरेजिंग बना के मान लेते हैं कि एक फ्रूट उसने इस रेट पे बेचा, एवरेजिंग करके भी आंसर निकाला जा सकता है, वो भी हम देख लेते हैं। तो यहां से परसेंटेज चेंज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है यहां से बात, ये 100% है। क्लियर है आंसर, कितना आएगा आंसर, माइनस सॉरी 1% लॉस। क्लियर है, अब देखते हैं एवरेजिंग से कैसे करना है। देखो एवरेजिंग कर क्यों रहे हैं, क्योंकि यहां पे हमारे पास जो क्वांटिटी है वो सेम रख दी हम लोगों ने, तो हमने मान लिया कि मान लो कि जो CP1 है ये कितना 100 बाई 11 था रुपीज में, और जो CP2 था ये 100 बाई 9 था रुपीज में। इसका मतलब कि अगर हम एक खरीदेंगे तो एक फ्रूट ये खरीद लिया, एक फ्रूट हमने ये खरीद लिया, ये मान लो, या फिर क्या कर लो, एक एक मान लिया तो सेलिंग प्राइस क्या मान लेंगे, दो मान लेंगे, एक्स की जगह हम टू मान लेंगे, क्योंकि एक ये और दो कितना हो जाएगा, एक और एक दो हो जाएगा, तो दो को सेल करेगा। या फिर हम लोग कैसे कर सकते हैं, एवरेजिंग कर दे और एक के लिए निकाल ले। अगर एवरेजिंग कर देंगे तो एवरेज कितने का आ जाएगा, यहाँ पे 100 बाई 11, यहाँ पे दोनों का रेट अलग है, लेकिन एवरेजिंग करने से दोनों का रेट सेम हो जाएगा, दोनों का रेट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में रहेगा रेट, ये हमने एवरेज में पढ़ा है। तो ये आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 99 इंटू 2, ये आ जाएगा 1000 बाई 99। अब ये एक के लिए आ गया, अब ये एक के लिए आ गया है, बात समझ में आ गई। मतलब अगर एक बेचेगा तो वो इतने रुपए में बेचेगा दोनों को, मतलब इसकी प्राइस भी कुछ चेंज हुई, इसकी प्राइस भी कुछ चेंज हो गई, और वो हो कितनी गई, 1000 बाई 99, मतलब इन दोनों को ऐड किया और हाफ से डिवाइड कर दिया, सॉरी 2 से डिवाइड कर दिया या हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एवरेज निकल गया हम लोगों का। मतलब सीपी एवरेज कुल मिला के सीपी कितना आ गया, 1000 डिवाइडेड बाई 9 रुपीज, इन दोनों का मिला के इतने रुपीज आ जाएगी। ठीक है, अब किसकी बात करें, अब सेलिंग प्राइस की बात कर लेते। सेलिंग प्राइस ऑलरेडी है हम लोगों के पास 100 बाई 10 रुपीज, मतलब 10 रुपए। अब हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, परसेंटेज चेंज एसपी माइनस सीपी। अब क्वांटिटी सेम होगी, दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। पिछले केस में 2x थी सेलिंग प्राइस, तो x इसकी थी, x इसकी हो गई, तो ये भी ऑलरेडी 2x हो गया। अगर यहाँ पे दो से ज्यादा हो जाते हैं हम लोगों के पास, मान लो कि कुछ अलग रेट भी दिया होता, तो क्या करते फिर हम लोग, तब हम लोग क्या करते, वहां पे 3x मान लेते, टोटल x x x 3x सेलिंग प्राइस हो जाती, और x इंटू दिस प्लस x इंटू दिस प्लस x इंटू दिस कर लेते। ठीक है, अगर तीन होते तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100%, ये कितना आ जाएगा 100 बाई 9। अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा कितना 90, कितना आ जाएगा ये 90 आ जाएगा, 90 माइनस 1000 आ जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाय 9, और ये 1000
डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, कितना आ गया ये, मल्टीप्लाई बाय 100%। बात क्लियर है यहां से, ये कितना आ जाएगा, ये 200 आएगा यहां पे, 1100 प्लस 900 2000, और ये 1000 बाय 99, ठीक है, कितने 100 रुपये में 10, मतलब एक कितना 10 रुपये में, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस आ गई 10, तो 90 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 9, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर इसे कैंसिल कर दें हम लोग, इसे क्या करें, कैंसिल आउट कर दें, तो ये 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ से, क्लियर। यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, ये 1000 बाय 99 है, कितना है 99, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 990 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 990 माइनस 1000 कितना हो जाएगा यहाँ से हम लोगों के पास 10, माइनस 10, माइनस 10 बाई कितना हो जाएगा 10%, मतलब माइनस 1%, ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक, कितना आ जाएगा माइनस 1%। यहाँ तो हम लोग क्या करें, इजी तरीका क्या है कि क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, एवरेजिंग करने से अच्छा है, ठीक है, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में भी हम लोग क्या करते हैं, एसपी में मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी कितनी क्वांटिटी है, और वही क्या रखते हैं सीपी, ठीक है, तो वो कैंसल आउट हो जाता है, लेकिन जब प्रॉफिट या लॉस की बात करेंगे कि इतना हमने खरीदा इतना हमने बेचा है, तो लॉस इतना परसेंट या फिर इतने टाइम सीपी हो रहा है, जैसे नोटबुक वाला क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो हम इतने रुपए में इतनी नोटबुक खरीद सकते हैं, तो लॉस इतने नोटबुक का होगा, तो वहां पे हमारी क्वांटिटी मैटर करेगी, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एवरेजिंग नहीं करेंगे। इससे अच्छा है कि एक ही तरीका याद रखें हम लोग, कौन सा, ये वाला नहीं, ये एवरेजिंग वाला है, हम लोग कौन सा तरीका याद रखेंगे कि क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो क्वांटिटी सेलिंग प्राइस में रहेगी वही क्या रहेगी क्वांटिटी इसमें हमारे सीपी में रहेगी। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने दो दो सीपी थे, तो यहां पे एक हो गया और दो इसको मिल गया सेलिंग प्राइस को, बात समझ में आ गई, तो यहां से आंसर भी कितना आ गया 1% लॉस। क्वेश्चन नंबर 32, अ डीलर सोल्ड टू टाइप्स ऑफ गुड्स फॉर ₹10,000 ईच, ऑन वन ऑफ देम ही लॉस 20% एंड ऑन द अदर ही गेन 20%, हिज गेन और लॉस परसेंटेज इन एंटायर ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कुछ क्वेश्चंस इसके बाद भी हम लोग करेंगे, वो इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें पकड़ना है कि यहाँ पे क्या बोला, उसने बोला गया है कि गुड्स की जो कीमत है वो 10,000 रुपए है, सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों की सेम है, क्या है, सेम है। अलग अलग टाइप से अगर हमें डायरेक्ट भी करना है तो फॉर्मूले भी हैं, लेकिन अगर फॉर्मूले से हम लोग याद करेंगे तो एग्जाम में हमें कंफ्यूजन होगा और हम गलत करके आ जाएंगे। हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, हम लोग फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला क्या गया है, सेलिंग प्राइस सेम है। सबसे पहले हमने देखा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, एक में गेन हो रहा है, एक में लॉस हो रहा है। अब 20% की बात करें अगर गेन में, तो कितना हो जाएगा, ये 1/5 है और गेन हो रहा है ना, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट बाय सीपी है, ये प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड करेंगे तब जाके एसपी बाय सीपी मिलेगा, कितना ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6/5 यूनिट, ठीक है। अगर 20% लॉस हो रहा है तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, ये आ जाएगा 1/5, ये लॉस हो रहा है, किसके ऊपर होगा लॉस, सीपी के ऊपर होगा, अगर मेंशन नहीं है तो कुछ भी, तो ये कितना हो जाएगा 4/5, मतलब एसपी कम है और सीपी ज़्यादा है। देखो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम ऐसा मान लें कि ये एसपी ये 1 है ये 2 है, 2 वाले में लॉस हो रहा है 1 वाले में प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम ऐसा करते देखो कि एसपी 1 को अगर 6 मान लें और एसपी 2 को अगर 4 मान लें तो ये कितना हो जाएगा 10, माइनस सीपी 1 को 5 मान लें और सीपी 2 को 5 मान लें तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय सीपी 1 प्लस सीपी 2 10 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आएगा 100 जीरो आंसर आएगा। क्या जीरो दिख रहा है क्या यहाँ पे, कहीं नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे हमसे बोला गया है कि जो सेलिंग प्राइस है ना, सोल्ड मतलब जो सेलिंग प्राइस है उस चीज की, वो सेम है, लेकिन हमारे केस में सेलिंग प्राइस तो हमने अलग अलग रख दी, ये एक जगह 6 रख दी, एक जगह 4 रख दी, तो तब क्या करना पड़ेगा हमें, सेलिंग प्राइस को बराबर बनाओ, यूनिट में बराबर बनाओ, यूनिट से खेल रहे हैं अभी हम लोग, तो यूनिट को बराबर बनाएंगे कैसे, हम लोग क्या करेंगे, ये जो SP1 और CP1 है 6/5 है, अब क्या मल्टीप्लाई करो, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो या फिर ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कर दो जिससे इसमें भी उसमें कुछ नंबर मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर बन जाए, मतलब इन दोनों का जो LCM है, इन दोनों का जो LCM रहेगा क्या रहेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 12 रहेगा, वो जो 6 से भी होगा 4 से भी होगा। LCM क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर है उसका मल्टीपल, 6 इससे डिविजिबल नहीं है, मतलब 12 हो सकता है, तो बिल्कुल ये भी है, ठीक है। तो 6 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12 बन जाएगा, जब 2 का मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये 10 बन जाएगा। अगर SP2 और CP1 की बात करें तो ये है हमारे पास 4/5,
इसे हमें 12 बनाना पड़ेगा, मतलब 3 से मल्टीप्लाई और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये 12 बाई 15 बन जाएगा। अब देखो सेलिंग प्राइस का जो यूनिट है वो SP2 के बराबर है, दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए, कंडीशन हमने सेटिस्फाई करा दी यहाँ से कि दोनों इक्वल है, 10,000 से कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये चीज दोनों बराबर हो गई, हम लोग ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पे देखो क्या कर सकते थे, अगर ऐसा LCM लो और ये सब करने की झंझट नहीं पड़ना है तो क्या करेंगे, 6/5 है तो ये जो नंबर है इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 24/20, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ये SP2/CP2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/5 है ना, तो ये वाला 6 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 6 और 6 × 4 हो गया, यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 24/25 है ना, तो यहाँ पे 20-25 हो गए हैं, 10-15 हो गया, बात समझ में आ गई क्या किया हमने, ठीक है। अब क्या करें, देखो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इन दोनों को तो हमने इक्वल बना लिया, क्लियर है बात, इन दोनों को क्या किया हमने, इक्वल बना लिया, मतलब SP1 SP2 के बराबर हो गया, SP1 SP2 के बराबर हो गया। अब SP1 + SP2 करेंगे, परसेंटेज चेंज देखें अगर, तो या फिर ऐसा लिख लें, हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं ऐसा, अगर फॉर्मुलेशन नहीं करना है तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का पहले रेशियो ले लो, परसेंटेज चेंज देख लो, सेलिंग प्राइस पहले कितनी है 12, इससे करके देखेंगे क्या किया हमने, SP1 + SP2 सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अगर रेशियो ले लें हम लोग तो कितना आ जाएगा, यहां से यह है 12, बाद में भी सेलिंग प्राइस 12, कॉस्ट प्राइस पहले 10 और बाद में 15, कितना हो जाएगा ये 24/25, परसेंटेज चेंज देखना है कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस 1/25, ये नेगेटिव आएगा क्योंकि देखो सेलिंग प्राइस कम हो रही है कॉस्ट प्राइस ज्यादा, तो नेगेटिव में रहेगा ये हमारा आंसर, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव में लिखते हैं, ये कितना आ जाएगा 4%। अब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, आंसर तो आ गया 4%, लॉस हो रहा है, फायदा हो रहा है ना, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या होगा, सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, लॉस, क्या हो जाएगा, लॉस, ठीक है। यहां से भी करके देख लेते हैं, SP1 + SP2 24 + 24 divided by 20 + 25 × 100, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा कितना 45, बात समझ में आ गई, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 24/20, और इसमें किसका मल्टीप्लाई किया है, 6 का मल्टीप्लाई किया है यहां पे किसका, तो ये 30 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा ये 30, ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई किया था ना, कितना आ जाएगा ये, यहाँ पे 48 हो गया और ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50, बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब दोनों का अंतर ले लो, डिफरेंस ले लो, अभी 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, पहले डिफरेंस लेंगे हम लोग फिर करेंगे, कितना आएगा, अगर 2 किसके ऊपर, 50 के ऊपर, अगर ये तो फ्रैक्शन में आ गया, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 4%, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है, देखो 48 है और यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल SP टोटल और CP टोटल, ठीक है। तो ये करने का तरीका, एक तरीका ये है, जब सेलिंग प्राइस इक्वल दी गई हो, हमें 10,000 का यूज आया कि कोई नहीं आया यूज, अगर वो हमसे बोल देता है सिर्फ इतना कि सेलिंग प्राइस है दोनों आइटम्स की सेम है, एक पे उसे लॉस हो रहा है एक पे फायदा हो रहा है, तो हमारा आंसर कैसे निकलेगा, हमारा आंसर स्टेप से निकलेगा, बात समझ में आ गई, क्लियर है बात,